जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के समय के लिए कि इस दोपहर के समय परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आया। तो आइए इस दोपहर के समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर उसके जीवित वचन से पढ़ें। नीति वचन 2:6 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। आमेन। इस दोपहर के समय हर एक काम को करने के लिए हम उस परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, ज्ञान को मांगे और समझ को मांगे, क्योंकि बुद्धि, समझ और ज्ञान हमें परमेश्वर ही प्रदान करता है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस दोपहर के समय प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रभु आपसे दुआ और निवेदन करते हैं प्रभु। आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को परमेश्वर हर एक जन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर किसी भी काम को करने के लिए प्रभु आप हर एक जन को अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान प्रदान करें प्रभु जी। प्रभु जो लोग ऑफिस में हैं परमेश्वर पिता, आप ऑफिस के हर एक काम को करने के लिए प्रभु आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु जी। जिन लोगों को प्रभु पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु जी। जो बात प्रभु किसी को जो समझ में पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी भी बात से रिलेटेड जो बात समझ नहीं आती है प्रभु, उस बात को समझने के लिए आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ को हर एक को प्रदान करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई भी राइट डिसीजन लेने के लिए आप प्रभु हर एक को समझ प्रदान करें प्रभु जी। और आज पूरे दिन भर में प्रभु हर एक के साथ आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता आपके नाम से हर एक के काम इस समय बनने पाए पिता परमेश्वर। एक नई अपॉर्चुनिटी को आज दोपहर के समय प्रभु आप लोगों के जीवन में प्रदान करें। इस समय प्रभु जी आप खतरे, मुसीबतों से, विपत्तियों से, परेशानियों से हर एक जन को बचाएं पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु और तेरे ये जीवित वचन को हर एक के जीवन में कोड करते, हर एक जन के जीवन में इस वचन को फलवंत करें, क्योंकि प्रभु जी आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस हर एक के साथ में प्रभु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आपके नाम से हर एक के काम बनने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर हर एक को आप दुर्घटना से, खतरे, मुसीबतों से, बीमारियों से, विपत्तियों से बचाएं परमेश्वर। आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में फलवंत हो और इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हर एक के साथ में है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन भी दिया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।